नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के खास ऑडियो बुलेटिन में। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, नीमच में मेडिकल कॉलेज को जमीन देने का प्रस्ताव, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण होगा, ग्वालियर एयरपोर्ट को 57 हेक्टेयर जमीन। घर घर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, टीका संजीवनी है, कोई छूटना ना पाए। हमीदिया हादसे में मरने वाले बच्चों की संख्या 7 हुई, पोस्टमार्टम के लिए मोर्चुरी में मासूमों के शव पहुंचे, मंत्री का दावा 4 की ही मौत, बाकी ठीक है। हमीदिया हादसे में परिजन का आरोप, नर्स और वार्ड बॉय में झगड़ा हुआ था, 5 मिनट बाद ही हमीदिया में लग गई आग। गुना में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज, सांसद केपी यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। 3 करोड़ की 13 किलो से ज्यादा ड्रग जब्त, मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार, ये वही ड्रग है जो आर्यन खान के पास मिली थी। 0 के बाद 24 घंटे में फिर 7 नए कोरोना मरीज, एक्टिव मरीज बढ़कर 29, विभाग ने कहा लोग दूसरा डोज लगाकर पहले खुद को सुरक्षित करें। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में एडमिशन का एक और मौका, आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नए स्टूडेंट्स, 14 तक भर सकते हैं फॉर्म। मध्य प्रदेश में डेंगू से मौत पर सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई, का शपथ पत्र देकर मुआवजा संबंधी जानकारी दे। IIT इंदौर और IIM इंदौर ने डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में 2 साल के मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम के लिए MOU किया साइन। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।